मैं जैसे कि आप लोगों को बता चुका कि लाइबेरिया जो है वो मिनी अमेरिका माना जाता है, और जो अभी जाना है आइवरी कोस्ट की कैपिटल उसे मिनी पेरिस माना जाता है अफ्रीका का। तो मैं अफ्रीका के मिनी अमेरिका से मिनी पेरिस जाने लग रहा है आज। ये भाई जो गाड़ी चला रहा था ना रास्ते में, रोक के एक औरत से उसका नंबर लेने लग गया। मैं बोला जानते हो आप इसको, दोस्त है क्या आपकी? तो बोला हाँ ये मेरी बेटी की माँ है। आ गया भाई लगेज बेल्ट पे, बताता हूँ मेरा पासपोर्ट इमिग्रेशन पे ही है, वहीं रख लिया। या तो मेरा पासपोर्ट खो देंगे अगर मैं पैसे दूंगा तो, या ये मेरे को पासपोर्ट देंगे ही नहीं बाद में। दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो से, मोनरोविया द कैपिटल सिटी ऑफ लाइबेरिया। लाइबेरिया आप लोग जानती है कि एक देश है वेस्ट अफ्रीका में, पिछली वीडियो से आप समझ चुके बहुत ज्यादा, हम बता चुके इस देश के बारे में आप लोगों को। फिलहाल बजे दोपहर के 12 और मेरी आज है फ्लाइट एक और देश की, आइवरी कोस्ट, जो कि एक और देश है वेस्ट अफ्रीका में, फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है, और फ्लाइट है 5:30 बजे। हाँ आप लोग सोच रहे हो 12 बजे क्यों नहीं कर रहे, और जबकि मैं बहुत लेट होने लग रहा हूँ एयरपोर्ट जाने के लिए, क्योंकि भाई एयरपोर्ट का सफर यहाँ से आप देख ही लोगे, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये निकल रही है गाड़ी बाहर, लाइबेरिया मैंने बिताया लगभग 5 दिन, और हालांकि यहाँ से एयरपोर्ट का जो सफर है ना वो सिर्फ 50 किलोमीटर है, 50-55 किलोमीटर। आप लोग सोच रहे हो लेकिन इतना ज्यादा टाइम क्यों, ये रोड तो आपको बहुत अच्छी दिख रही है, इनका मेन एवेन्यू मेन स्ट्रीट ही है इस देश की, कैपिटल सिटी की मेन सड़क ही है। जैसे हम थोड़ा इससे एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो आप रोड की हालत देखोगे, और भाई 50 किलोमीटर के लिए 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं, मान सकते हो मेरी बात। इस देश की रोड बहुत टूटी फूटी, आपने देखा ही पिछले कुछ वीडियोस में, जब मैं सियरालियोन से बॉर्डर क्रॉस करके बाय लैंड मोनरोविया आया था, इस रोड तक पहुंचने से पहले की जितनी भी सड़कें थी क्या उनका हाल था आपने देखा ही होगा। कुछ वैसा ही सफर हमारे शायद एयरपोर्ट तक का होने वाला है। 5:30 बजे की फ्लाइट है मेरी, अभी 5:30 घंटे है हमारे पास, पर मेरे को अभी भी बॉर्डर है कि फ्लाइट छूट ना जाए, 4 घंटे से ज्यादा ना लगे, 3-4 घंटे के अंदर अपन पहुंच जाए तो ठीक रहेगा। पहले अपने को स्टॉप भी लेना है, गाड़ी चेंज करनी है। लाइबेरिया के बारे में बाकी हम पहले आपको बता ही चुका, एक तरह से मिनी अमेरिका है, बिल्कुल यूं लगता है अमेरिका में आ गई। अमेरिका जैसे इनका फ्लैग दिखता है, वही करेंसी यूज करते हैं, सारा सिस्टम एकदम अमेरिकन इन्फ्लुएंस्ड है। इज योर फ्रेंड? यस, माय टोटो मदर। ओके, या दे मस्ट सी ऑसम। या लाइबेरिया के दोस्तों साउथ में पड़ता है अटलांटिक ओशन, जैसा आपने देखा भी, और ये यहाँ पे बीच साइड एक जिम बनाया हुआ है, और कुछ यहाँ पे मेरे ख्याल ईटरीज और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, सऊदी वालों ने बनवाया, सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट है सारी। ये देखो एक बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट, फुटबॉल का भी एक इधर मैदान सा था, खूब मशीनें लगा रखी यार। हालांकि बिल्कुल पीछे ही नाला था एक साइड में, और लोग झगड़ने लग रहे थे फुल, यहाँ पे ये बड़ा नज़ारा बढ़िया, वॉलीबॉल कोर्ट भी एक। ये भाई जो गाड़ी चला रहा था ना रास्ते में, रोक के एक औरत से उसका नंबर लेने लग गया। मैं बोला जानते हो आप इसको, दोस्त है क्या आपकी? तो बोला हाँ ये मेरी बेटी की माँ है। और तो बोली मेरे फोन में तो बैटरी नहीं, अपना फोन दो। तो फिर इसका फोन लेके उसने नंबर डाला। इनकी सोसाइटी भाई मेरे समझ में नहीं आती बाकी, सही बताऊँ तो। अभी अपने को सामान शिफ्ट करना है दूसरी गाड़ी में, पहले तो सामान पड़े रहने देते हैं, एक बार सबको गुड बाय बोलाते हैं यार। ये आ गए भाई, अब अपन वाहेगुरु ट्रैवल्स के ऑफिस में सबको बाय बाय बोलने के लिए। एक टिकट इश्यू कर दो, इंडिया जाना है, इस हर की टिकट हो जाएगी। कहाँ बैठे हैं? यहाँ से दिल्ली, वहाँ से बस। भाई ऑफिस आ गए, भाई गौरव, गौरव है ना, प्रशांत भाई, हेमंत भाई, गौरव भाई, बग्गा जी का है, बग्गा जी बाहर है, बग्गा भाई बाहर है, अनिल भैया बैठे अंदर किसी को अटेंड कर रहे शायद। ये है भाई मेरी फ्लाइट और वीजा आइवरी कोस्ट का, मेरे को ये भी उठाना था यहाँ से। चलो एक रखवा दो। नहीं नहीं कुछ स्नैक्स नहीं भैया, कराया मैं परांठे खाया, दही खाया, कुछ नहीं चाहिए, सामान सेट करूँगा थोड़ा। चलो भाई, बाय भैया, थैंक यू सो मच, टेक केयर। ओके, आप भी ध्यान से एक बार मैसेज कर देना, और अभिजान में भी कुछ रिक्वायरमेंट रहे ना। हाँ जी भैया, मुझे बता देना, मैं अपने बंदे का नंबर दे दूंगा। जी भैया पक्का, बाय बाय, थैंक यू भैया। भाई वैसे तो मेरा प्लान था यहाँ से अभिजान ओवरलैंड जाने का बॉर्डर क्रॉस करके, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि अभिजान का जो स्टिकर वीजा है ना, दरअसल स्टिकर वीजा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी एम्बेसी थी वो कहती है कि अब हमने ना टूरिस्ट को या जो लोग सिटीजन या रेजिडेंट्स नहीं है यहाँ के, उनको स्टिकर वीजा देना कर दिया बंद, हम प्रमोट कर रहे हैं अपना ई वीजा। अक्टूबर 2023 के बाद हम स्टिकर वीजा नहीं देने लग रहे, और आप ऑनलाइन जाके ई वीजा अप्लाई कर दो, लेकिन ई वीजा से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, आप ओवरलैंड नहीं जा सकते, आपको बाय फ्लाइट ही जाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे। तो फिर हमने ई वीजा लिया, ई वीजा भी नहीं आया अभी, रिसीट आई बस, 73 यूरो का था शायद, वो $80 कुछ मान लो, उसकी वो पेमेंट करी, पेमेंट करती एक रिसीट आई, अब वो ही है हमारे पास प्रूफ, और कुछ भी नहीं है।
वीजा हमें डायरेक्ट एयरपोर्ट जाके ही मिलेगा। अब एयरपोर्ट पे वो स्टिकर चिपकाएंगे पासपोर्ट पे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे पास अभी जो प्रूफ है वो सिर्फ उस पेमेंट की रिसीट है, उसी के बेसिस पे हम उस देश की इमिग्रेशन तक पहुंचना भी है। यहाँ पे भी अगर एयरलाइन वाले बोलते हैं कि भी वीजा दिखाओ आइवरी कोस्ट का, तो हमारे पास वही रिसीट है और कुछ देते भी नहीं वो, तो वही प्लान है भाई, स्टिकर वीजा नहीं मिल पाई इसलिए अपन बॉर्डर भी अब क्रॉस नहीं कर सकते बाय लैंड। हालांकि बहुत लंबा सफर है, 2 दिन लग जाते हैं बाय लैंड और प्लेन में अपन 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे फ्लाइट में, लेकिन यहाँ से एयरपोर्ट का ऐसे ही सफर तो जो है दोपहर के 1 बज चुके के भाई 5:30 बजे की फ्लाइट है और मेरी टेंशन ही बढ़ती जा रही है कि भी पहुंच नहीं पाएंगे तो क्या होएगा। चलो भाई बस उम्मीद है कि भीड़ ना मिले। यहाँ पे ना लाइबेरिया में आपको इस तरह की बाइक्स बहुत दिखेंगे, मतलब बाइक के ऊपर छतरी है, 2 व्हीलर है ऊपर छतरी लगी हुई है। आप सोच रहे हो कि ये धूप के लिए है, धूप के लिए नहीं है ये, दरअसल मोनरोविया इज द वेटेस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। इधर की एनुअल रेनफॉल 180 इंच के करीब है, यानी कि 4500 mm शायद, इतनी बारिश होती है भाई, इतनी बारिश। 2 ही सीजन है, एक वेट सीजन एक ड्राई सीजन। मार्च में अब बारिश शुरू हो जाएगी, मार्च से लेके दिसंबर तक नॉन स्टॉप बारिश ही बारिश, सूरज निकलता ही नहीं। कहते हैं कि मई में थोड़े दिन बीच में सूरज निकलता है, लेकिन सूरज निकले निकले भी इतनी तेज बारिश भाई, हर वक्त बारिश होती है यहाँ। तो बाइकों पे भी छतरी लगी होती है ताकि भीग ना पाए, वरना भाई जिनके पास गाड़ी नहीं है वो तो सारे दिन गिल्ले ही रहेंगे। मैंने मोनरोविया की पहली वीडियो में भी कही थी बात, बाय द रेन और बाय द स्वेट इधर वे यू विल गेट वेट। अभी हालांकि बारिश नहीं हो रही, ड्राई सीजन है, वेट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन भाई ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, समुद्र नजदीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसी गाड़ियों के एसी चलते नहीं है, तो पसीना भाई सारे दिन आते हैं, आदमी भीगा ही रहता है वैसे तो। अभी ध्यान दिया भाई इसने, गाड़ी नहीं लॉक करी थी अभी मैंने करी है, पीछे सारे बैग पड़े और सारी चीजें मेरी, रेड लाइट पे गाड़ी रुकी है। पहले ही बताया दोस्तों यहाँ पे ना बहुत ही इंस्टेबिलिटी थी, बहुत ही टाइम यहाँ वॉर चली है, सिविल वॉर, जिसमें काफी लोगों की जानने गई, काफी लोग मरे, तो सड़क पे ना ऐसे इस तरह के लोग बहुत मिलते हैं जिनके हाथ कटे हुए पैर कटे हुए हैं, तो वही इनके 20 साल से भी ज्यादा जो है सिविल वॉर चला उसी के दौरान सब लोगों को चोटें वगैरह लगी हुई है। इस देश की 8% पॉपुलेशन तो मरी गई थी और पता नहीं कितने डिस्प्लेस हो गए थे सिविल वॉर के अंदर, जो बच गए उनमें से भी काफी लोग ऐसे चोटें लगी हुई है। मैं जैसे कि आप लोगों को बता चुका कि लाइबेरिया जो है वो मिनी अमेरिका माना जाता है, और जो अभी जाना है आइवरी कोस्ट की कैपिटल उसे मिनी पेरिस माना जाता है अफ्रीका का, तो मैं अफ्रीका के मिनी अमेरिका से मिनी पेरिस जाने लग रहा है आज। ये भाई रोड बनने लग रही है एयरपोर्ट के लिए और फिलहाल यही रोड है जाने के लिए और आने के लिए। अब इधर दिक्कत क्या है, अफ्रीका में किसी की भी गाड़ी खराब होगी ना तो लोग रोड के बीचों बीच छोड़ जाते हैं, सड़क के बीचों बीच छोड़ के चले जाएंगे, या जाम लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, साइडों में और रास्ता नहीं है। उधर भी रोड बनने लग रही है, ये भी रोड बनने लग रही है, हालांकि कुछ टाइम बाद जब ये रोड बन जाएगी तब एयरपोर्ट जाना आसान हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यही रोड है जाने के लिए और आने के लिए। कोई भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, खराब होगी, जाम लग गया, तो बस हो गया काम, बस लकीली अभी तक हम फॉर्चुनेट है काफ़ी, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, और आगे भी ना हो, भीड़ भी नहीं मिली, भीड़ भी अभी तक उस हिसाब की नहीं मिली, तो सही है। फ्रॉम हियर टू द एयरपोर्ट 1 आवर? नो, हाउ मच मोर टाइम? Let's say about 20-25 minutes. Okay. Yeah. 20-25 मिनट बोल रहे भाई, यानी कि 1 घंटा ही, अफ्रीका है भाई ये, या जो बोलते हैं भाई उसको मिनिमम, अगर पंक्चुअल आदमी है तो अगला 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, और अगला आदमी पंक्चुअल नहीं है तो वो 10 से भी हो सकता है, कितने से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। फाइनली भाई काफ़ी नज़दीक आ गया एयरपोर्ट के, मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे, मेरे को दिख भी रहा है दूर थोड़ा टर्न सा लेके, एयरपोर्ट मेरे ख्याल यहाँ से अब 2-3 किलोमीटर हो गया यार, और मेरा तो भाई रोस्टेड चिकन बन गया, सही बता रहा हूँ। भाई महाभारत ही था इनके एयरपोर्ट आना भी यार, सही में पार्किंग की पर्ची ले ली भाई, और ये आ गया सीधे हाथ को मेरे एयरपोर्ट। खाली पड़ा यार एयरपोर्ट तो, एयरपोर्ट में तो कोई आया हुआ ही नहीं,
मेरे ख्याल से अगली फ्लाइट वही होगी, अब 5 बजे की शायद 3-1 बजे भी कोई फ्लाइट है, पता नहीं, पर चल के देखते अब तो अंदर ही। डिपार्चर ही है ना ये? हाँ, ये रहा डिपार्चर। गुड बाय भाई, सी यू सून। खली भाई भी आए हुए। ओ भाई साहब, बुरा हाल हो गया यार, सही बताने लग रहा। पानी तो पिया ही नहीं, पीते रुको। गार्ड ने मेरे को देखा और बोला कोदिवार, मतलब आइवरी कोस्ट की फ्रेंच ट्रांसलेशन है, कोदिवार एयरलाइंस है मेरी, यानी कि आइवरी कोस्ट की एयरलाइंस। बोला आ जाओ आ जाओ लाइन में लग दो। लाइन तो गया, खाली पड़ा है। एसी चल तो रहा है पर ठंडक है नहीं इतनी, खाली पड़ा एयरपोर्ट एकदम। आते ही सीधा काउंटर पे दे देते बैग, पसीने नहीं सूखने लग रहे भाई। 1 मिनट में हो गया चेक इन वगैरह सारा प्रोसेस, कोई और था ही नहीं, मैं ही था बस लाइन में। बोले वीज़ा, तो मैंने वो मेरी रिसीट दिखा दी ई वीज़ा की ऑनलाइन जो पेमेंट की थी, देखी भी नहीं। जैसे मैं निकाल, मैं बोला ये मैंने पेमेंट कर रखी है, बोले हाँ रख लो रख लो। मतलब वीज़ा नहीं देखते, सिर्फ रिसीट ही देखते हैं। वीज़ा तो वहाँ देखे आगे, वो पेमेंट करो और जाओ सीधा, ऐसा कुछ नहीं कि आपका वीज़ा कैंसिल होएगा, अप्रूव होएगा, रिजेक्ट होएगा आइवरी कोस्ट का। बस आप इनको पेमेंट से मतलब आइवरी कोस्ट वालों को, जाके कोई भी वीज़ा लगवा लो, मतलब बेसिकली सबका अप्रूव ही है ऑनलाइन, बस अप्लाई करना है। उसकी रिसीट एयरलाइन को दिखाई और बोल ले जाओ। 1 मिनट के अंदर चेक इन कर दिया, 13 किलो का मेरा बैग था। अब चलते डिपार्चर में, यहाँ पे तो बहुत गर्मी है भाई। कमाल ही हो गया कि किसी ने भी पैसे नहीं मांगे, ऐसा तो पहली बार हुआ है। पहली बार तो नहीं पर बहुत रेयरली होता है अफ्रीका में एयरपोर्ट पे कोई पैसे ना मांगे। एयरपोर्ट पे या बॉर्डर क्रॉसिंग्स पे, बाय लैंड तो मांगते ही मांगते हैं पर एयरपोर्ट पे भी मांग लेते हैं। आगे भाई एयरपोर्ट पे, यहाँ पे ड्यूटी फ्री वगैरह, पीछे लॉन्च था। लॉन्च की कीमत थी भाई $30 3 घंटे के। तो भाई हालांकि यार जल्दी पहुँच गए अपन, अभी बजे भाई 3:00 कुछ होएंगे। तो लॉन्च में मेरे को बैठने के लिए मिलता है 1-1.5 घंटा, क्योंकि फिर फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बोला छोड़ो मेरे को नहीं चाहिए लॉन्च, बाहर बैठ जाएंगे। वैसे ही मेरे बहुत दुख है, मेरे $100 गुम हो गए थे उस दिन, तो मैं पैसे बताने लग रहा हूँ। तो भाई एक तो एसी का टेम्परेचर कम कर ले गया, पंखा अपने पे करते और बैठ के बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ इमिग्रेशन पे और कस्टम्स वगैरह सिक्योरिटी चेक पे, क्योंकि उधर रिकॉर्डिंग तो अलाउड होती नहीं। तो जैसे मैं इमिग्रेशन पे गया ना, इमिग्रेशन से पहले था एक और काउंटर येलो फीवर वैक्सीन के लिए। तो बोले आपका येलो फीवर वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाओ। अब मेरे पास था बैग में, मैंने निकाल के दिखा भी दिया, पर ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती कि भाई देश छोड़ते टाइम क्यों देखने लग रहे हो। अगर मेरे ठीक है, मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ, समझ लो मेरे येलो फीवर है, तो तुम क्या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराओगे, मेरा ख्याल रखोगे? और ऐसा भी नहीं है कि मैं दूसरे देश में जाने लग रहा हूँ, आइवरी कोस्ट वाले मेरे से पूछ रहे हो, लाइबेरिया वाले पूछ रहे देश से निकलते टाइम। सीरा लियोन में भी कुछ सिमिलर सिचुएशन हुई थी। हाँ, अगर ये मेरे पास, मैं वैक्सीनेटेड नहीं हूँ तो मुझे एयरपोर्ट पे वैक्सीन करके भेजने लग रहे हैं, तो भाई बहुत अच्छी बात है। मतलब मुझे पता नहीं, मैं बस आइडिया लगा रहा हूँ, अगर ये वैक्सीन करके भेजते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरे पास नहीं होता और ये मुझे उड़ने ना देते, अगर ऐसा होता है तो उस चीज़ की मेरे को कोई सेंस नहीं लगती। पता नहीं भाई, किसी को पता हो तो बताना ज़रूर। एनीवे, मैंने दिखाया येलो फीवर वैक्सीन, उसके बाद मैं गया इमिग्रेशन पे। स्मूथ प्रोसेस था, किसी ने पैसे नहीं मांगे। मेरा पासपोर्ट देखा, पासपोर्ट मेरे भरे हुए थे स्टैम्प से, तो उन्हें बहुत मुश्किल से स्टैम्प मिली। स्टैम्प के बाद अब उनको स्टैम्प मारनी थी, लेकिन उनको अपनी खुद की स्टैम्प नहीं मिली इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो इधर उधर से कहीं से एक स्टैम्प ढूंढ के लाए, खाली पड़े थे काउंटर्स, तो स्टैम्प ढूंढ के लाए, फिर उन्होंने स्टैम्प मारी। काफ़ी देर लगा दी इमिग्रेशन पे, हालांकि सिर्फ इकलौता मैं ही आदमी था, पर 8-10 मिनट ईजिली लगी मेरे पासपोर्ट पर स्टैम्प मारने में। उसके बाद मैं गया सिक्योरिटी चेक पे, अभी तक मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगे। सिक्योरिटी चेक पे गया, मेरा सामान निकलवाया, बैग चेक हुआ, पानी अलाउड नहीं था, पानी मैंने निकाल के रख दिया, पी लिया पानी जितना पिया गया। मेरी वैसे अलग से भी तलाशी ली गई, मेरे से सवाल जवाब वैसे भी करे गए, कैसे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो, कहाँ घूम रहे हो। सिक्योरिटी चेक में लड़कियाँ थी सारी, वो थोड़ी बहुत लाइन मार रही थी। फिर उसके बाद बोले कि आपका बैग भी चेक करेंगे। अब मेरे को पता है बैग भी चेक करेंगे, मतलब बैग में कुछ भी कीमती मिल जाए ना तो मेरे को पता है निकाल सकते हैं यहाँ पे अफ्रीका में। अब मेरे बैग में भाई काफ़ी सारी करेंसीज पड़ी है, सेफा भी पड़ी है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक या वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक, यूएस डॉलर्स भी पड़े भाई मेरे पास कई सारे। मतलब यूँ मान लो इंडिया के पैसों में कन्वर्ट करें तो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा मेरे पास पैसे पड़े हैं कैश, क्योंकि अफ्रीका में भाई क्या पता कब ATM काम ना करे। तो अभी और मैं काफ़ी पैसे रिजर्व में लेके आया हूँ, कुछ भी इमरजेंसी हो जाए। वो ना मैंने कागज में लपेट रखे और डॉक्यूमेंट्स में छुपा रखे, किसी को शक ना हो, तो उनकी नज़र उस पर नहीं गई, क्योंकि मुझे पता है भाई अफ्रीका में बैगों की तलाशी होती है बाय रोड, तो ज़्यादा करप्शन होती है, तो ऑफिसर्स क्या पता निकाल ले उसमें से कुछ। तो मैंने बांध रखे थे, उसने वो नहीं छेड़ा। फाइनली उसे क्या, चॉकलेट्स मिल गई खूब सारी मेरे बैग में, चॉकलेट्स भी नहीं, वो थी प्रोटीन बार्स। अब वो लेडी बोली कि भी क्या मैं खा सकती हूँ, थोड़ी सी चख सकती हूँ? तो मैं बोला हाँ हाँ आप एक रख लो, क्योंकि मुझे पता था भाई बहुत सस्ते में काम बन रहा है अगर मेरा सिर्फ एक चॉकलेट दे के काम बन रहा है तो। अब उसे चॉकलेट देख के तो बहुत खूबसूरत सी लग रही, बड़ी सी चॉकलेट थी 30 ग्राम प्रोटीन वाली, पर उसे क्या पता है जितनी सुंदर है दिख रही इतना अच्छा इसका टेस्ट नहीं है, प्रोटीन बार है। तो खुशी खुशी उसने वो एक चॉकलेट ले ली, जाके बाकी लड़कियों को भी कह रही है कि भी ये चॉकलेट खाएंगे, पर भाई वो प्रोटीन बार थी थोड़ी कड़वी सी भी। अब एंड में खाएंगी तो मेरे को गालियाँ देती होंगी, पर जो भी है मेरी एक प्रोटीन बार भी सद गया, कुछ और देना नहीं पड़ा। एयरपोर्ट पर किसी ने पैसे नहीं मांगे, गर्मी बहुत ज़्यादा भी, मैं इस AC के आगे खड़ा हूँ।
पर बस मेरे को धोखा लग रहा है, प्रोटीन बार यहाँ पे मिलती नहीं जल्दी से अच्छी कोई, वो उन्होंने मेरी ले ली, बाकी तो कोई नहीं। थोड़ा भी शरीर ठंडा हो, और मैं जाने से पहले ना सारी चीज़ें याद कर रहा था लाइबेरिया के अपने एक्सपीरियंसेस, तो वैसे ही मेरे मन में आ रहा था यार मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा यार, इधर जो भी लोग मेरे को मिले ना, स्पेशली इंडियन एम्बेसी पूरी बहुत मदद करी भाई, इंडियन एम्बेसी ने मेरे को घुमाना ध्यान रखना, हालांकि मैंने उनसे कोई मदद भी नहीं मांगी खुद से, पर अपनी तरफ से यार इतने एफर्ट्स डाले उन्होंने कि भाई परमवीर आया बहुत ख्याल रखा। दूसरे वाहेगुरु ट्रैवल्स यार, जैसे वो हर बार करते ही अफ्रीका में, उन्होंने भी काफ़ी ख्याल रखा है मेरा। होगी भाई स्टार्ट बोर्डिंग अपनी एयरलाइन की, मार दिया रुका, टाइम है अभी 4:30 की वैसे तो फ्लाइट भाई, अच्छा वाला पसीने सुखाड़ था, लाइट चली गई एयरपोर्ट पे, ये देखो बंद ही हो गया एसी आसी सब, लाइट गई भाई एयरपोर्ट पे सब बंद। वेलकम टू अफ्रीका, इसने देखा कि मैं हिल नहीं रहा, सीट से चिल्ला के बोलने लगी आ जाओ बोर्डिंग के लिए एयर को दीवार वाले जल्दी आओ, खाली सी लग रही है यार, या फिर यहाँ से चढ़ नहीं ले लोग। ये बोर्डिंग पास से पता नहीं क्या चिपका रखा है इन्होंने, एयरपोर्ट पैसेंजर सर्विस चार्ज पता नहीं, बाकी इनने तो बोर्डिंग पास पाड़ के वापस यहीं बिठा दिया, बोले बैठो, एक पर्चा इसका ले लिया साइड में और आधा बोर्डिंग पास वो फाड़ के रख लिया और बोले बैठ जाओ वापस। पर भाई ऐसा फील कराते हैं जैसे कि इन्होंने मेरे से टिकट खरीद रखी और मैं इनके लिए काम करता हूँ, मैं बार बार शुक्रिया धन्यवाद प्लीज़ बोलता हूँ, जब से हम तब से देख रहा हूँ मैं, पहले बार भी चेक इन के टाइम भी, इनको कोई मतलब नहीं, कोई शुक्रिया नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ रख दो, ये कर लो, ये ले जाओ, बैठ जाओ खड़े हो। भाई मैं इधर बैठा था, सामने से भाई आए, एक सन्नी भाई, भाई ने पहचान लिया, हेलो भाई, भाई आगे बैठे फिर साथ में, इंडिया जा रहे हो ना भाई आप, जोधपुर जा रहे हैं भाई, जोधपुर से है, यही मोनरोविया रहते हैं लाइबेरिया में, कितने साल से भाई आप? 8 साल से भाई, आपकी एज कितनी है? 25। तो कितने 17 साल के आगे थे भाई? मेरे से भी 1.5-2 साल छोटे हैं, और अच्छा हुआ यार, अच्छा लगता है इंडियन से मिल के यार। प्लेन आया ही नहीं यार सही में अभी तक, 5:03 है, बजे गए 5 मतलब ऑलमोस्ट 5:20 पे डिपार्ट होना था, पर अभी आया नहीं प्लेन। ये भाई अभी जान से ही चली थी 12:50 पे फ्लाइट, अभी जान से उड़ी 12:50 पे कुनाकरी के लिए गिन्नी, गिन्नी से फिर 3:30 उड़ी है यहाँ के लिए मोनरोविया लाइबेरिया, और 5:20 पे यहाँ मोनरोविया से वापस उड़ जाएगी अभी जान आइवरी कोस्ट के लिए, तो 12:50 पे चली पूरा इन कंट्रीज में सर्कल मार के 2-3 देशों में, वापस शाम को 7-8 बजे जो भी है पहुँच जाएगी। तो मेरे को भाई बता रहे यहाँ पे ना एयरपोर्ट ये तो अभी बना है 2-3 साल पहले छोटा सा एक कमरा सा था, उसी में बोर्डिंग गेट वगैरह सब थे, और फ्लाइट जब लैंड होती थी ना तो बैगेज बेल्ट वगैरह भी कुछ नहीं थी, ट्रॉली में लाते थे, कैसे लाते थे बैग? अच्छा यूँ किसी डागे लेके आते थे सारे बैग्स, जिसके जो बैग उठा लो और भाग लो। एक ना आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ यहाँ के बारे में लाइबेरिया में, आपका जो टूरिस्ट वीज़ा ना उसमें सिंगल एंट्री होती है, चाहे आपका रेजिडेंट परमिट भी यहाँ पे आप समझ लो रेजिडेंट, आपके पास यहाँ का रेजिडेंट कार्ड है, उसमें भी आप सिर्फ एक ही बारी देश में एंटर कर सकते हो, आप बाहर निकल गए ना तो बाहर निकल के दोबारा लाइबेरिया एंटर नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये नहीं है, तो रेजिडेंसी अलग से लेनी है, रेजिडेंसी का सारा प्रोसेस फॉलो करना है, उसके बाद अगर आपके पास ये नहीं था ना और आप एक बार बाहर निकल गए तो सब खराब हो गया, तो आपको ये री एंट्री का कार्ड अलग से बनवाना पड़ता है, पहले आप अपनी रेजिडेंसी रजिस्टर कराओ फिर उसके बाद री एंट्री का ये लो, तो ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है भाई, जो भी आदमी काम करता है ना इसके बिना तो यहाँ पे काम चल ही नहीं सकता। 5:15 हो गए भाई, अब बोर्डिंग स्टार्ट हुई है, 5 मिनट में उड़ने का ही टाइम था, वैसे लेट उड़ेगी मतलब इसका, पर कोई नहीं चलते अब। बाय ब्रो, बाय बाय, बाय पाजी। भाई मेरे से ही नहीं लिए सिर्फ पैसे, और बाद में जो आए ना इंडियन से, एक तो मेरी उनसे बात हो रही थी, एक से तो $50 लिए नीचे उन्होंने सिक्योरिटी वालों ने, उस वो भाई परफ्यूम लेके जा रहा था तो बोल $100 मांगे फिर 50 में बात हुई, और एक से तो येलो फीवर वाले ने भी लिए, एक भाई को बोले कि तेरा येलो फीवर का कार्ड थोड़ा सा फटा हुआ है $20 दे इस बात के, मतलब भाई इसलिए इतनी फॉर्मेलिटीज करते ये दिखाओ वो दिखाओ ताकि किसी ना किसी चीज़ में तो पैसे ले सके, मेरे से तो भाई किसी ने कुछ नहीं मांगा, मेरा सामान भी थोड़ा सा था और उन्हें शायद लग भी गया था देने नहीं वाला, पासपोर्ट भी इतनी स्टैम्प्स थी इतना, और मैंने पैक भी चीज़ें इस तरह के से रखी थी कि वो कुछ ले ना सके मेरे सामान में से, वो रहा प्लेन शायद। बस आ गई भाई, और जैसे ही नीचे सारे लोग लाइन तोड़ के ऐसे आगे जाके आगे खड़े हो गए, सिर्फ ये तो गोरे लोग लगे हुए लाइन में और मैं लगा हूँ, सारे फैल गए, चलो कोई नहीं सही है, पर घुसते बस में।
बुलाने ही नहीं लग रहे भाई, 5-10 मिनट तो यहाँ बाहर खड़े होगी बस में प्लेन के बाहर, बुला लो, गेट बंद कर रखा है इनने तो, कोई इशारा करा और बस वापस जा रही है भाई, वापस बोर्डिंग गेट पे जाने लग रहे, पता नहीं क्या हो गया भाई साहब। चलो भाई सेकंड अटेम्प्ट, बैक करके ही लिया है ड्राइवर तो, खुल जा भाई। चलो भाई पहली सवारी मैं ही घुसा हूँ, बढ़िया सीट मिली है भाई अपने को एक्स्ट्रा लेग रूम वाली, पता नहीं उन्होंने खुद दी थी या टिकट में ये सीट थी, चलो कोई नहीं, वैसे तो फ्लाइट भी इतनी लंबी नहीं है, सफ़र बढ़िया कट जाएगा। 5:40 हो गए भाई, बाकी अब ख़त्म हुई है बोर्डिंग, 5:20 पे उड़नी थी, 5:55 तक उड़ेगी मेरे ख्याल, अब 6 ही बजे क्या बता। हो गए भाई लैंड ठीक ठाक, चलो भाई स्वागत है, शायद मेरी 84वीं या 85वीं कंट्री है ये, आइवरी कोस्ट या कोते इवोरे। हालांकि फ्लाइट थोड़ी लेट थी, आधे घंटे से ज्यादा लेट उड़ी थी, लेकिन टाइम पे ही बुझा दिया, 7 बजे बुझा दिया, 6:50 का टाइम था। भाई यहाँ तो यार बकवास होगी फालतू में ही, यहाँ एयरपोर्ट में घुसा, मैं घुसते इनका ई वीज़ा का ऑफिस था साइड में, मैंने जाती मेरी रिसीट दिखाई और मैं बोला एम्बेसी ने मेरे को बोला था कि ई वीज़ा ले लेना इस रिसीट के बेसिस पे, वो बोले कि आपका वीज़ा तो अभी अप्रूव ही नहीं हुआ, बस ये तो रिसीट है, तो मैं बोला अभी मैं क्या करूँ, एम्बेसी ने तो उधर कहा था ऐसे ही करना है, अब आप पुलिस स्टेशन जाओ और आपका पासपोर्ट यहीं जमा होगा। आ गया भाई लगेज बेल्ट पे, बताता हूँ मेरा पासपोर्ट इमिग्रेशन पे ही है, वहीं रख लिया, बहुत लंबी कहानी है सुनाता हूँ भी।